नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज टॉक में। हिमांश से ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन में है नेहा कक्कर। सोशल मीडिया पर लिखा लंबा चौड़ा नोट। बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कर इन दिनों अपने गानों के अलावा निजी जिंदगी और एक्टर हिमांश कोहली के ब्रेकअप के बाद सुर्खियां बटोर रही हैं। हिमांश और नेहा का ब्रेकअप हुए काफी समय बीत चुका है। नेहा सदमे से बाहर निकलने के प्रयास करने के लिए छुट्टियों पर गई थी, जहां उन्होंने कई मस्ती भरे वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए। ऐसा लग रहा था कि नेहा मूव ऑन कर चुकी है, लेकिन नेहा अभी तक सदमे से बाहर नहीं निकली है। उन्होंने एक लंबा चौड़ा नोट लिखा है, जिसमें वो खुद को डिप्रेशन का शिकार बता रही है। जी हां दोस्तों, इंस्टाग्राम पर लिखा है उन्होंने कि मैं डिप्रेशन में हूं और दुनिया के नेगेटिव लोगों का शुक्रिया अदा करती हूं। आप जैसे लोग ने मेरी जिंदगी खराब करने में सफलता पाई है, मुबारक हो, आप कामयाब रहे। मैं एक बात फिर भी कहना चाहूंगी कि ऐसा किसी एक या दो वजहों से नहीं हुआ है, ये दुनिया की वजह से है जो मेरी पर्सनल लाइफ में मुझे जीने नहीं दे रहे हैं। जो लोग मेरे काम को छोड़कर मेरी पर्सनल लाइफ में घुस रहे हैं, दिलचस्पी ले रहे हैं, उन्हें नहीं पता मेरी जिंदगी में क्या चल रहा है और मैं कितने कठिन दौर से गुजर रही हूँ। नेहा कक्कड़ और हिमांश काफी सालों से रिलेशनशिप में थे और दोनों ने साथ में रोमांटिक सॉन्ग्स भी शूट किए हैं। इतना ही नहीं, हिमांश ने नेहा को इंडियन आइडल के सेट पर शादी के लिए प्रपोज भी किया था, लेकिन ये रिश्ता बस यहीं तक था। ब्रेकअप के बाद हिमांश और नेहा दोनों ने किसी सवाल पर बात करना पसंद नहीं किया। आप अगर नेहा के फैन हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें।